बेटा हमने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था टर्म एंड कोफिशिएंट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। लेकिन बेटा आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ आइडेंटिटीज के बारे में कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उनको किस तरह से हम लोग यूज में लाएंगे अपने क्वेश्चन में। तो सबसे पहली आइडेंटिटीज है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे डायरेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब एक बात याद रखेगा बेटा, जब भी हम कोई आइडेंटिटीज पढ़ते हैं और उसको डायरेक्टली प्रूफ यूज में लाते हैं तो बेटा वो प्रूफ भी उसका होना चाहिए कि क्या वास्तव में ये बात सही है या गलत है। तो आइए मैं इसका एक प्रूफ दिखाता हूँ आपको। हम एक कोई नंबर ले लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ले लिया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब बेटा अगर आप लोग पढ़े हैं कि 5 का स्क्वायर किसको लिखते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो 25 माइनस 9 इज इक्वल 16। ये तो हमने LHS में रख के सॉल्व कर लिया। अगर ये आइडेंटिटीज बिल्कुल ये सही है तो RHS में बिल्कुल सही आनी चाहिए। RHS में कैसे रखना है, a प्लस बी यानी a की जगह पर हम लोग रखेंगे 5 प्लस 3 और a ब्रैकेट में 5 माइनस 3। 5 में से 3 प्लस करेंगे बेटा तो 8 हो जाएगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 8 इंटू 2 इज इक्वल 16। तो इस तरह से देख रहे हैं बेटा कि LHS RHS के बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब कि ये आइडेंटिटीज वेरीफाइड है। अगर आपको भविष्य में कभी भी इस आइडेंटिटीज पर ऐसे क्वेश्चन मिले, अगर इस फॉर्म में मिले तो हम उसको इस फॉर्म में बिना सोचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल उसका और ये इसका वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं बेटा, अब आपके बुक में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका यूटिलाइज किस तरह से आप लोग करेंगे। तो देखिए आपसे कह देगा कि बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यू ऑफ और आगे कोई एक नंबर दे देगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपको दे देगा 80 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर। तो आप लोग को बोला कि ये आइडेंटिटीज यूज करके इसको सॉल्व करना है, तो कुछ मत करो, एक ब्रैकेट में लिख दो 80 प्लस 70 और दूसरे में 80 माइनस 70। सॉल्व कर देंगे बेटा, देखिए कितना हो जाएगा हमारा 150 और ये हो जाएगा बेटा 10। और देखिए मल्टीप्लाई कितना इजी हो गया, ये आ गया 1500। वरना इस तरह कितना लॉन्ग होता ये भी देख लीजिए, 80 में पहले मल्टीप्लाई करते फिर माइनस 70 का 70 में करते और फिर माइनस करते तब आंसर आता। लेकिन इस आइडेंटिटीज पर रख देने पर देखिए कितना इजी मिल गया। तो बेटा आइडेंटिटीज इसीलिए पढ़ाई जाती है आप लोगों को कि आपका प्रॉब्लम जो है वो इजी हो जाए, बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकें। अब दूसरा कैसे आप लोगों को दे देगा, दूसरा एग्जांपल आपके बुक में जब जाएंगे तो कैसे मिलेगा, एग्जांपल टू कैसे मिलेगा, वो मिल जाएगा इसका फाइंड द प्रोडक्ट बोल देगा, प्रोडक्ट ऑफ 197 एंड या सीधे क्रॉस लगा देगा 197 एंड 203। इसका प्रोडक्ट निकालना है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे 203 मल्टीप्लाई 197। अब आप लोग इसको करेंगे तो 7 3 जा 21 को 1 कैरी 2, 7 0 0 और 2 2, 7 2 जा 14, 9 3 जा यहां कट कर लेंगे 9 3 जा 27 को 7 कैरी 2, 9 0 0 और 2 2, 9 2 जा 18, 1 0 1 3 जा 3, 1 0 0 1 2 जा 2। अब इसको ऐड करते हैं तो 1 9 4 और 3 4 3 7 7 2 9 9 और 3, इसका बेटा आंसर इतना आया। और देखिए कितना पेनफुल था, लेकिन अभी आप लोग देखिएगा जब मैं आइडेंटिटीज का यूज कर दूंगा तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी हमारे लिए हो जाएगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा और आपको समझाता हूं, या मैं इसको इसके बगल में समझा देता हूं कि हमको किसका प्रोडक्ट निकालना है बेटा।
था, प्रोडक्ट निकाला 197 मल्टीप्लाई 203 को। तो बेटा बताओ 193 को, अरे 197 को मैं 200 माइनस 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई, और 203 को क्या लिख सकता हूँ, 200 प्लस 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस डी, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इसका उल्टा फॉर्म है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर भाई 200 इंटू 200 यानी 4 पे 4 जीरो माइनस 9, अब 9 माइनस कर लीजिए यानी अगर ये हमारा 40,000 है, 40,000 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा 39,091, ठीक है ना। तो अब आप देख लीजिए कि कितना इजी हो गया बेटा हमारा ये क्वेश्चन, कितना इजी हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा आंसर मिल गया बेटा। तो आइडेंटिटीज इसीलिए पढ़ाई जाती है बेटा कि ताकि आप कोई भी क्वेश्चन करें तो वो इजी हो जाए। आइए बढ़ते हैं बेटा सेकेंड आइडेंटिटीज पे और उसका वेरिफिकेशन देखते हैं और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड आइडेंटिटीज जो कि हमें दिया है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ये पूरे में बेटा होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये 2ab का मतलब क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 2ab का मतलब बेटा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये होता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन अलजेब्रिक फॉर्म में बेटा हम इनको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। चलते हैं आगे। अब इसका भाई अगर ये सही है तो LHS और RHS किसी भी वैल्यू के लिए सही होनी चाहिए। चलिए अब आपको मैं एक हिंट देता हूं, मैंने ए की जगह पर ले लिया 2 और बी की जगह पर ले लिया 3 और मैंने इसका कर दिया स्क्वायर। अब मैं करूंगा तो 2 और 3 कितना आ जाएगा बेटा 5 और 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 × 5 ये आ गया 25। देखिए LHS में तो हमारा आ गया 25, अगर ये LHS RHS के बराबर है तो हमें ये भी प्रूफ होना चाहिए कि इधर भी 25 आना चाहिए। तो रख के देख लेते हैं, ए की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 × ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3, तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये बेटा इसको प्लस करेंगे तो 13 + 12 = 25। तो देख रहे हैं कि LHS RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि हाँ कहीं पर अगर a प्लस बी टाइप में कोई क्वेश्चन आएगा उसका होल स्क्वायर रहेगा तो हम उसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। वेरिफिकेशन भी देख लिए। अब आते हैं बात, अब इस आइडेंटिटीज का यूज क्यों किया गया बेटा, क्योंकि हमने कहीं देखा कि हर जगह मल्टीप्लाई क्या था, बिल्कुल थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था और इसलिए हमने कुछ ऐसा सेटअप किया कि इसकी हेल्प से हमें आसानी से सॉल्व हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर दूं एक क्वेश्चन, मैं कहूं कि 200 प्लस 3 और 200 प्लस 3 इनका मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, पहले 200 में 3 को प्लस करेंगे 203 हो जाएगा, इसको भी प्लस करेंगे तो 203 हो जाएगा, आई बात समझ में। और अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों का 203 में मल्टीप्लाई करेंगे 203 का और ये देखिए बेटा यहां तक सलूशन आएंगे तब आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आइडेंटिटीज लगा देने से बेटा देखिए कितना इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे इसका सलूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से करते तो कैसे करते, 203 मल्टीप्लाई 203, 3 × 3 = 9, 0 6 0 0 0 6 0 2 ये आ जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 90202 आंसर आया बेटा 2029। ये तो हमारा आंसर आया किससे, बेसिक रूल जो आप जानते हैं। लेकिन अब हम लोग अगर आइडेंटिटीज का यूज कर देंगे तो देखें कितना इजी हो जाएगा। हमें लिखा है 203 का होल स्क्वायर, हमने इसको कैसे लिख लिया, 203 प्लस सॉरी 200 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगा दी, तो 200 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 200 × 3, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 पे 4 जीरो प्लस 9 प्लस ये बेटा 1200,
देखिए दो सॉरी एक जीरो और आएगा यहाँ पर, अब इनको प्लस करेंगे बेटा। तो देखिए ये हो गया हमारा 40,000 और ये हो गया 1,209। तो अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, 40,000 इसको रहने दीजिए प्लस इसको करेंगे तो 1209 हो जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, जरा इसको प्लस करके देखेंगे ये कुल कितना आता है हमारा, करें इसको ऐड करते हैं बेटा। तो देखिए 1209 इसको ऐड करेंगे बेटा तो आएगा 90214, ये आ जाएगा इतना। यहाँ थोड़ा सा हमसे लग रहा है मिस्टेक हुआ है बेटा, 2 2 4 होता है बेटा, यहाँ हमसे गलती हुई है, ये 4 होगा और इसका आंसर आ जाएगा बेटा इतना 41209। समझ में आया बेटा? तो देखिए इस आइडेंटिटीज का यूज करने से कितना इजी तरीके से इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ। तो अब आप लोगों के बुक में किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा जरा ध्यान से देखिए। आपको बुक में क्वेश्चन जो मिलेगा वो किस वे में मिलेगा, वो इस कुछ ऐसा मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इसको हम लोग लिखेंगे 205 मल्टीप्लाई 205 जो कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन चला जाएगा, लेकिन हम इसमें कुछ ट्रिक लगा देंगे। इसको लिख देंगे 200 प्लस 5 और इसमें लिखेंगे 200 प्लस 5, ये देखिए दो बार हो गया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर और आइडेंटिटी लगा देंगे 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 200 × 5। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 4×4 = 0 प्लस 25 प्लस इसको इसको करेंगे 4×5 = 20 और 120। अब इन सबको ऐड कर देंगे बेटा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हो गया 40,000, 2,000 ये 42,025, यानी 42,025 हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, सॉरी नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे, और देखते हैं कि नेक्स्ट आइडेंटिटी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। चलिए बेटा अगली आइडेंटिटी है हमारी तीसरी, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए बेटा इसमें प्लस था इसमें माइनस हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन बस यहाँ पर क्या करेंगे बेटा माइनस लगा देंगे, माइनस 2ab। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा जैसे आपसे कहेगा फाइंड प्रोडक्ट या फाइंड द वैल्यू ऑफ 95 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप लोग जनरली किस तरह करेंगे 95 × 95 और इसका आंसर निकालेंगे, लेकिन अगर आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो हम लोग इसको किस तरह से लिख देंगे 100 − 5 का होल स्क्वायर। देखिए अभी भी तो ये 95 ही है और यहाँ पर लिख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर −2 × 100 × 5। अब जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1,000 ये हो जाएगा बेटा। अब 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 9,000 आ जाएगा, 9,000 में 25 प्लस कर देंगे तो 9025 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटीज लगाने से कितना ईजी हो गया। अब बढ़ते हैं बेटा आइडेंटिटी 4 और 5 पे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 8 के साथ साथ 9, 10, 11, 12 में भी आपको बहुत मदद करने वाली है, तो इसको जरा आराम से समझिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बेटा, आगे के क्वेश्चन को फिर हम बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है फोर्थ, क्या है वो a प्लस एक्स और a b प्लस एक्स। यहां देख रहे हैं बेटा कि a और b तो अलग है लेकिन x और x सेम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा इस आइडेंटिटी को a का स्क्वायर, सॉरी जो सेम है उसका स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस x a प्लस b और मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यानी इस तरह से हम कुछ इसको लिख सकते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन करने चलते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई करेंगे बेटा तो हम यहाँ पर लिखे रहे हैं x प्लस 2
और x प्लस फाइव, देख रहे हैं x सेम है तो हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x, 2 प्लस 5 और प्लस 2 इंटू 5, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि बेटा 5 और 2 7 हो जाएंगे और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सलूशन देखिए कितना इजी हो गया। सेम अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते हैं तो प्रॉपर मेथड क्या है इसका करने का, आप पहले क्या करते हैं, पहले आप करेंगे x प्लस 2, x प्लस 5, आप लिखेंगे x और पूरा ब्रैकेट x प्लस 5, फिर लिखेंगे 2 और फिर x प्लस 5, आप x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x का 5 में करेंगे 5x, 2 का x में करेंगे 2x, 2 का 5 में करेंगे तो 10। आप देखो बेटा x स्क्वायर प्लस 5x 2x सेम है, लाइक टर्म है, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7x और प्लस 10। तो देखिए बेटा इस तरह से भी आंसर वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा क्वेश्चन, और ये आइडेंटिटी पे सेट कर देंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को भी नोट कर सकते हैं एग्जांपल को। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। चलिए बेटा चलें अगली आइडेंटिटी पे। तो अगली आइडेंटिटी देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट आइडेंटिटी है, और फिर उसके बाद हम लोग सीधे अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आइडेंटिटी 5 क्या बेटा, a प्लस एक्स और b प्लस वाई। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। इसमें क्या था, x x कम से कम सेम तो था, लेकिन इसमें सब कुछ अलग है, तो कुछ नहीं करना। पहले आप a लिखेंगे और एक पूरा ब्रैकेट उतारेंगे b प्लस वाई, फिर ये x उतारेंगे और फिर b प्लस वाई उतारेंगे। अब a का b में पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ए का वाई में करेंगे ए वाई, एक्स का बी में करेंगे तो एक्स बी, और ए का एक्स का वाई में करेंगे तो एक्स वाई, और यही हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही। अब सीधे हम मिलेंगे अपने एक्सरसाइज में, और सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।